भाई ये उसकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मेरा छोटा भाई है, क्यों किया, क्या किया, किसका प्रेशर आया, कहां से आया, गॉड नोस। पीएचडी बेसिकली मैं आपकी वसादत से कहूं, सबको पता है वो 370 और 35A के लिए मार्ज वजूद, ये एक मामूली चीज है। और हम सबको पता है कि हमने करीब 40-45 सीट हारे बिकॉज ऑफ दिस डमी कैंडिडेट्स। मुझे पता है, डॉक्टर साहब को खबर है, महबूबा जी को खबर है, तारिगामी साहब को खबर है, सजाद को खुद खबर है, हमारे जावेद मीर साहब को, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो बोला है ये मामले हुए हैं और इस पर एक्शन लिया जाएगा, बाजाबता तौर एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए एक फोरम हमारा है, एपेक्स कमेटी जो है, वहां पर बात करेंगे। अब आपने एक फैसला ले लिया, मेरे हिसाब से गलत किया आपने, बट देन गॉड ब्लेस यू। पीएचईडी इज एज स्ट्रॉन्गर एज इट वॉज एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर टूडे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अब्दुल्ला। पीर और लद्दाख के लोग आज मिले हुए, आज ये मामूली एक मामला नहीं है, और उसका काम है 370 और 35A को रेस्टोर कराना। ये बेसिक बेसिक मुद्दा है हमारा, और 370 और 35A का काम हमारा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। वो मैं ये नहीं कहूं क्योंकि सब जुडिस मैटर है, वो खोलें कोर्ट का दरवाजा और आप सब देखेंगे पीएचईडी क्या करेगा वहां पर। खोलिए ना कोर्ट का दरवाजा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लीज ओपन अवर केस। हमारा केस वाटर टाइट केस है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। दिस इज अ गारंटी फ्रॉम 1947 टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। ये कोई खालाजी का खेला नहीं है, खालाजी का घर नहीं है। उसके लिए पीएचईडी सामने आया आज, एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर आई एम टेलिंग यू टूडे देन इट वॉज यस्टरडे। ये मेरा मानना है। क्या आपको लगता है अपना शेख हुई है? जी नहीं, हम लोगों ने भाई जेलें देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं। पीएचईडी का कोई मेंबर निकलेगा उससे मैं शेख होने जाऊंगा? हाँ, कमाल है यार, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कौन एटीएम है, मैं तो इतना जानता हूं उनके बारे में, उतना भी कहूं, वो भी हमारे यहीं के तो बाशिंदे हैं। आज आरएसएस और बीजेपी और जितने भी उनके यहां दुम छले नाच रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो आज क्या हुआ, पीएचडी में एक आदमी निकल गया। मगर उनका बेसिक वार क्या है कि 370 और 35 से इफेक्ट हो रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। मेरा जवाब है, उनका कोई नहीं है 35 और 370 के, जिसकी बुनियाद से तुम खड़े हुए हो, उसको बाजाब्ता तौर इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के सर से जिस तरह वो ताज उतारा गया, पीएचईडी का काम है वो ताज वापस लाना। बाकी अभी आप बच्चे हैं सियासत में, क्या हमको बताओगे सियासत से पिछली दहाइयों से किए जा रहे हैं। मगर जो वो काम करने यहां पे आते हैं, उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया कश्मीर के लिए, किसी डेलीगेशन ने नहीं। मैं 10वीं डेलीगेशन से मिला हूं, नो यूज सब सूरत। मगर मेरे भाइयों, हम बहुत ही ज्यादा खुश होते अगर आप अपने एटलीस्ट अपने साथ 30-40-50 हजार टूरिस्ट को तो साथ लाते। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, उनसे ये कहिए भाई हमसे आपने जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला आपने लिया, टूरिज्म सेक्टर जो हमने आपके यहां की चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आपको बताया है, हमारा नुकसान 70,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ का है आपके उस डिसीजन का। जो भी स्टेक होल्डर उनसे मिलने जा रहे हैं आज, बराए करम उनसे ये 70,000 करोड़ बोलिए, पार्लियामेंट में खड़ा कीजिए ये मैटर, और ये 70,000 करोड़ दिलाइए कश्मीर के आवाम को, होटल वाले को, टैक्सी वाले को, हाउस बोट वाले को, घोड़े वाले को, हैंडीक्राफ्ट वाले को। आपने हमारे नुकसान किया। 5 अगस्त 2019 को यहां पर करीबन 4 लाख टूरिस्ट थे। मैं तो वही मांग रहा हूं, आपको 4 लाख टूरिस्ट साथ लाने चाहिए थे आज अपने। आप तो खाली खाली आए हो यहां पर, रोड आप बनाने की ये बात कर रहे हो यहां पर, हम रोड को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट को देखोगे, क्या देखोगे यार, दैट इज नॉट एन इश्यू। कश्मीरी यूथ वो इश्यू है, इश्यू इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज एन इश्यू। इश्यू इज यू पे मी माई मनी बैक, 1,00,000 करोड़ रुपए वापस दो जो टूरिज्म का नुकसान आपने किया है। द इश्यू इज रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A जो आज जम्मू और लद्दाख भी बोल रहा है, दैट इज एन इश्यू। सर ये लफ्ज आप वापस लें प्लीज, मैंने 370 से
बहुत ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट उठाने से बहुत चीजों का नुकसान उठाया और मैंने आज तक कभी ये नहीं छोड़ा। मैंने पीडीपी को भी बताया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ हमगीर हो जाओ और इसको हटाओ। और मैं आज भी वही बात करता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज नो मीनिंग इन कश्मीर। 200 मिलिटेंट्स के लिए आप 8 लाख 9 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी फौज यहां पर इस्तेमाल करो, फॉर व्हाट? 250 करोड़ रुपए पर डे हमारा एक्सपेंडिचर।